हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का ही चैप्टर नंबर 8, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो चलिए, हमने चैप्टर पढ़ लिया था, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपको, सुनना है और इनका आंसर देने की कोशिश करना है, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ लिया है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सभी चैप्टर जो है वहाँ पर पढ़ाए गए हैं। 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास जो है वो भी पढ़ा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यह शुरुआत की थी विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। ठीक है, और एक जमीन का टुकड़ा जो है वो हर व्यक्ति को, हर अमीर व्यक्ति को देना, टुकड़ा दान में। तो ये परंपरा जो है वो शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने शुरू की, जिससे कि जमीनी स्वामित्व की जो विषमताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। राजस्थान में विनोबा भावे की अपील पर भूदान कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान में विनोबा भावे की अपील पर भूदान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया नागौर जिले से और तेलंगाना के एक छोटे गांव में। यहाँ पर सबसे पहले विनोबा भावे ने भारत के संदर्भ में प्रारंभ किया था, और वहीं राजस्थान में नागौर जिले में। आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो साक्षरता की कमी थी, और यहाँ पर रेगिस्तानी और सूखा जो है यहाँ पर इलाका ज़्यादा था। राज्य के आधे से ज़्यादा भाग कैसा था? रेगिस्तानी और सूखा। ठीक है, फिर भी 75% जनसंख्या जो थी वह कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। उद्योगों का विकास नहीं होने के कारण लोगों को वहाँ रोजगार भी नहीं मिल पाया, तो अधिकतर जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? तो 1971 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत जो है क्या है? एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए, छुआछूत जैसी जो ये चीज़ है इसको जड़ से उखाड़ने के लिए भारत सरकार ने नागरिकों के लिए जो अधिनियम लागू किया वह 1955 में किया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो नागरिकों का ये अधिकार है कि उन्हें जो है इस चीज़ से बिल्कुल वंचित ना रखा जाए, कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे कि बाकी लोगों का होता है। ठीक है, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ छुआछूत जैसी जो बीमारी है वो बिल्कुल ना रखी जाए, इसके लिए अस्पृश्यता उन्मूलन जो है अधिनियम भारत सरकार ने नागरिकों के लिए 1955 में लागू किया। सन 1951 में राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी थी? तो 1951 के समय में महिला साक्षरता बहुत कम थी, 2.51%। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है, सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो 2011 के अनुसार 52.12% रही, जहां 1951 में ये बहुत कम थी। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, प्रयास किए गए, तो वहीं राज्य महिला आयोग का गठन किया गया जिससे कि महिलाओं के साथ जो भी व्यवहार होता है उसकी जांच हो सके, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उनको दूर किया जा सके। तो महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को राज्य स्तर पर किया गया। अगला देखिए, क्वेश्चन 11 है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, तो यहाँ अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का।
फिर देखें, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया? महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया? तो जो महिलाएं जिनको घर में रहकर जो है उनको प्रताड़ित प्रताड़ित किया जाता रहा हो, या उनके साथ कोई भी जो है हिंसा की गई हो, तो इसके लिए महिलाओं के संरक्षण के लिए उन्हें तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2005 में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? तो हमने योजनाओं में पढ़ा था महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के हित के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक योजना आई, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो की गई 2015 में। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कब बना? तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून जो हैं वो भी बनाए गए। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम ये बना 1956 में, और इसका संशोधन जो है वो 2005 में किया गया। फिर देखें, क्वेश्चन 15 है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये भी महिलाओं के लिए ही था, 1961 ईस्वी में दहेज निषेध अधिनियम जो है वो पारित किया गया। तो इसके लिए भी कानून आया, जो भी दहेज मांगने वाले हैं तो उनके लिए ये अधिनियम आया 1961 में, ठीक है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? छोटी उम्र में ही जो बालक बालिकाओं का विवाह हो जाता है तो वो ना हो, तो इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया 1925 ईस्वी में, उसके बाद इसमें दो बार संशोधन हुआ 1986 में और दूसरा 2006 में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, हमने 16 क्वेश्चन किए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1955, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो ये महिलाओं से संबंधित जो थे यहाँ पर कुछ अधिनियम आए, राज्य सरकार की तरफ से जो है वो प्रयास किए गए। एक तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने याद किया कि सबसे पहले भूदान आंदोलन, उसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर आएगा क्वेश्चन तो आप याद रखना, तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है तिरुचपल्ली, वहां से स्टार्ट किया विनोबा भावे ने 1951 में। और यदि राजस्थान की बात आती है तो नागौर से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो चलिए, आज हमने जो भी प्रश्न किए हैं इनको आप बार बार इनको दोहराएंगे जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टरों में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने भी वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।